बड़ा धन्यवाद जो तुमने मेरे को मेरा घर दिलवा दिया, बस तुम्हारी बहुत मेहरबानी। अभी हमने दो दिन पहले एक परिवार की खबर दिखाई थी जो परिवार रोड पे था, और जैसे ही हमारी वीडियो वायरल हुई, वायरल होने के बाद में कुछ समाज सेवी इकट्ठे हुए, होने के बाद में उस परिवार को अब अपना घर मिल चुका है। हम उसी परिवार के साथ में हैं, और इनके जो परिवार के जो मुखिया थे, जो शोहर थे इनको, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। वो बहन हमारे साथ में, बहन क्या नाम है आपका, दोबारा से फिर मैं आपके पास आया हूँ पूछने के लिए। नगमा आप खुश हैं, आपको अपना मकान, आप यहाँ रह रही हैं आराम से? हाँ। आपको वहाँ पे कितना टाइम हुआ था रहते रहते? वहाँ पे 10-11 दिन हो गए थे। 10-11 दिन, तो 10-11 दिन में कभी कोई इतने लोग निकलते थे, कभी किसी ने सोचा नहीं कि आपको आपके घर में या कुछ पूछे, आपसे घर में भेजा जाए? और किसी ने नहीं पूछा, मेरी अम्मी पापा जाते वो भी कुछ नहीं करते थे। परेशानी तो होती होगी, ये तो जाहिर सी बात है, परेशानी तो होती थी, पर क्या करा जाता, वहाँ पर रहना पड़ा था मजबूरी में। तो आपने सोचा था कि आपको कोई आएगा सडनली और ऐसे अपने घर में आ जाओगी? सोचा तो नहीं था। खुश हैं आप या नहीं ये बताइए? हाँ खुश हैं। आपका बच्चा कम से कम अब रोड पे नहीं है, सेफ है। उस वक्त तो रोड पे था, ये नहीं पता था कौन आके ले जाए आपके बच्चे को, कौन आपके साथ में कुछ हादसा कर दे। हाँ जी, अब सेफ है, बच्चा भी ठीक है, सड़क पर डर था बस। जी। और आपके शोहर को भी अस्पताल भेज दिया गया है, वो उनका इलाज होगा, वो इलाज के बाद फिर आपसे मिलेंगे। किसी चीज़ की परेशानी, राशन की किसी चीज़ की परेशानी बताइए? नहीं, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। करदमपुरी इलाका है जो दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली दुर्गापुरी चौक के आसपास का इलाका करदमपुरी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम साजिद खान है और मैं करदमपुरी वार्ड से निगम पार्षद हूँ। साजिद भाई, आपने कैसे मतलब फॉलो किया, कैसे ढूंढा इन परिवार को? ये तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने ये क्लिप हमारे राजा भाई के पास पहुँची, राजा भाई ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, फिर हाजी मारूफ जी के पास कॉन्टैक्ट किया, हम लोग पहुँचे वहाँ पर। पहुँचने के बाद जो ये मकान मालिक है हमारे यहाँ साजिद भाई, उनका भी नाम ही साजिद है, उनको भी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने दोबारा हमने उनसे बात की और बात करके उन्होंने कहा ठीक है जी आप लेकर आ जाइए इनको। अब जिम्मेदारी आपके इस परिवार की? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम जो भी है सारे लोग मिलके इनका ध्यान रखेंगे। जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद, ये मेरे गांव के लड़के की बीबी है तो हम इनको गांव भेज देंगे यहाँ से, और कोई जब तक यहाँ रहेंगे कोई राशन की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और हम इनके पास आए थे, जो मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमारा, बिल्कुल परेशानी नहीं। मेरा नाम राजा हिंदुस्तानी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग का। जब ये वीडियो क्लिप मुबीन भाई ने मुझे भेजी थी, ये दोस्त हैं हमारे मुबीन भाई, आपकी वीडियो क्लिप जब मेरे पास आई तो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पे कैसे रह सकता है, इतने छोटे बच्चे को मतलब लोग देख रहे हैं, और उसके बाद किसी के दिल में इतनी हमदर्दी नहीं है, घर में उनके भी बच्चे होंगे, कि एक बच्चा छोटा सा सड़क पे पड़ा हुआ है, हमारा तो अंदर से दिल मन विचलित हो गया। मुबीन भाई, सबसे पहले आपने हमारी वीडियो देखी थी? जी जी, मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो देखने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ, और मेरा अक्सर शौक है कि मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो पे ध्यान देता हूँ, अक्सर मैं आपकी रेगुलर वीडियो देखता हूँ, तो मुझे वो रेगुलर में एक सीरीज आपकी मिली तो मैं इतना परेशान हुआ, मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया और तकरीबन 3 ग्रुप में शेयर किया, जिसके बाद राजा भाई का मुझे ठीक 3 घंटे के अंदर फ़ोन आ गया था कि भाई वो बच्ची मिल गई है और उसका फैमिली भी हमने रिकवर कर ली है। तो वहाँ से रिकवर करने के बाद इनको यहाँ शिफ्ट करा दिया गया, इनका खाने पीने का सब इंतज़ाम हो गया है, इनके हस्बैंड को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट करा दिया गया। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि इस परिवार को इसका घर मिल गया है। बहुत लोग परेशान थे, बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स में मैसेज कर रहे थे कि मुशायद भाई इस फैमिली को कम से कम इनके घर तक पहुंचा दीजिए, इनको कमरा दिला दीजिए या किसी सेंटर में इनको भर्ती करा दीजिए। लेकिन 2 दिन के बाद ही ये फैमिली अभी कमरे में है और सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मोबिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो पर संज्ञान लिया, इस फैमिली को यहाँ लिया। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसी फैमिली, ऐसे परिवार हैं जिसको आप लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसे परिवार के आप साथ आइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें यूँ ही प्यार देते रहिए।